कलाकार अलग अलग फील्ड से अपनी फिल्मा कर रहे ने, शूटिंग कर रहे ने, टाइम नहीं लगता, पर आज सारे इकट्ठे कर रहे ने ना। लॉकडाउन करके हर बिजनेस नू घाटा पिया, हर काम नू घाटा पिया, लेकिन सब तो घाटा कलाकार नू पिया। फिल्मा जिन्हियां काफ़ी पिछे पूरियां तैयार हो के पईयां होईयां, तो थिएटर च वेखण कोई ना आवे तो उहदा की फायदा। भी सस भी कहती, सहुरा भी कहता है, वोटी भी कहती, कहते विआह होएगा तो उस तरीक नूं होएगा। मैं कहा भी मेरी मजबूरी समझो। कॉमेडी सब तो औखा सबजैक्ट है, कलाकार तो बहुत ने, लेकिन करैक्टर न मशहूर होना सब तो वड्डी गल है। लेशा करैक्टर टीवी ते आया, लोगों ने समझा शायद ये कोई कंटीन चो वैसे ही बंदा लैके इन्ना पेश किया, तो लोगों ने इन्ना पसंद किया, चार साल चलिया, मेरा नाम ही कुलेशा पै गया। बिल्कुल वही चीज़ है, सुंदर फिश तो बहुत घट लोग जानते। बिल्कुल ये चीज़ है, कलाकार अपने आप को कलाकार कहे, वो कलाकार नहीं होंगे, कलाकार वह होंगे जिन्हों दर्शक कलाकार बनाते हैं। मैं दर्शकों का बनाया हुआ कलाकार हाँ, आज तुहाडे सामने ये डायलॉग सी मेरा। धन्नवाद करना या उन्होंने वेलकम करना, वह कुलेशा किस तरह करता, नैकों वधैकों पंचों सरपंचों यारों दिलदारों तहसीलदारों नंबरदारों थानेदारों हालदारों जिमीदारों दुकानदारों पलेदारों दिहाड़ीदारों शाहूकारों कलाकारों गीतकारों संगीतकारों पत्रकारों चित्रकारों बेरोजगारों टब्बरदारों भैणों। सो इस टाइम ने मेरे नाल कॉमेडी दे किंग सुरिंदर फरिश्ता जी, उन्होंने गलबात कर लें। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुसी दर्शकों के रूबरू करवा रहे हो, तो बड़ी खुशी हुई है, खुशी नहीं मिलके। बिल्कुल। सो सब तो पहला फरिश्ता जी, आज दे बारे दसो कि किवें ये सारा सबब बनया, क्यों इकट्ठे हुए हो, की मेन? अज ना जी एसोसिएशन कलाकारां दी फिल्म एंड टीवी दे जिन्हें भी कलाकार एसोसिएशन बनी है, उहदे च अज ना एक किताब रिलीज़ हो रही है, दलजीत अरोड़ा जिहड़े पंजाबी स्क्रीन दे एम डी ने, चीफ एडिटर ने, तो उन्होंने जोड़े जो भी उन्होंने पंजाबी स्क्रीन च मुखबंध लिखे ने, उन्होंने लैके एक किताब की अज इतने ओपनिंग होनी है, ओपनिंग सैरेमनी, तो इस सिलसिले असं इतने आए हैं। तो बाकी बड़ा अच्छा लग रहा, सारे इस बहाने सारे कलाकार एक दूजे मिल, क्योंकि कलाकार अलग अलग फील्ड से अपनी फिल्मा कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, टाइम नहीं लगता, पर आज सारे इकट्ठे कर लेने ना। ते कोविड ने भी कितना कितने सब कुछ बंद किया होया सी, उस तो बाद हाँ उस तो बाद मेरा ख्याल पहला ही फंक्शन है कि आज सारे इकट्ठे ने। सो जिस तरीके तुसी गल की कि अलग अलग फील्ड दे विच उते ही कोविड दे करके सब कुछ बंद से, बट हुण दोबारा फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, दोबारा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दे विच जिहड़ा सारा काम चलना शुरू हो गया है, तो किन्नी कु खुशियां हुण इस चीज़ की कि दोबारा तो जिहड़ा है हर चीज़ स्टार्ट हो गई है। लॉकडाउन करके हर बिजनेस नू घाटा पिया, हर काम नू घाटा पिया, लेकिन सब तो घाटा कलाकार नू पिया, क्योंकि सब चीज़ा हो जांदियां उस अखीर ते कलाकार दी वारी आउंदी है। एंटरटेनमेंट लोग कहिंदे भी सानू अपने यानी जिंदगी दा पिया होया, कोई बीमारी इहो जी ना मुराद बीमारी करोना, तो एंटरटेनमेंट की करनगे, पर जदों का लॉकडाउन खुल्लिया उस तो बाद जो कम पेंडिंग से शुरू होए ने, पर फिल्मों अगों जो थिएटर खुले ने यदि बहुत खुशी हुई है, क्योंकि फिल्मों जिन्हियां काफ़ी पिछे पूरियां तैयार हो के पईयां होईयां, तो थिएटर च वेखण कोई ना आवे तो उहदा की फायदा, और थिएटर खुल्लणगे लोग वेखण आणगे, उस तो बाद जिहड़ा बाकी जिहड़े पेंडिंग फिल्मां पईयां उह रिलीज़ होणगियां, उस तो बाद नवें प्रोजेक्ट शुरू होणगे। मेरे भी एक दो पेंडिंग फिल्मां, एक मेरी फिल्म आई है पिछे लॉकडाउन दे उत्ते फिल्म सी पै गई पसूड़ी। अच्छा, चलो जी लॉकडाउन ते बना दी ओह चीज़ के उसी लॉकडाउन ते ही ओह ना, फारूक अहमद खान बॉम्बे तो डायरेक्टर है, राहुल भंडारी प्रोड्यूसर है,
तो उन्हें मैं लैके ना लॉकडाउन का कंसैप्ट बहुत प्यार मैं कंसैप्ट सुनाया उन्होंने पसंद आया फिर मैं किया मैं ना इंस्पैक्टर बनया पुलिस इंस्पैक्टर पुलिस कहें जो पंजाबी बंदे दे कोई मुश्किल आती है ना कहते पै गई पसूड़ी वो ना यहोजा रख्या वो थोड़ा जहा मैं तुम थीम दसना अच्छा ना मैं है पुलिस इंस्पैक्टर घर जवाई हाँ हूँ घर जवाई जोड़ा हों तुम पता थोड़ा जा डर के रहना पैदा उत्तर घर च साल है साली है सस सोरा तो उ मैं रह रहा मेरी मिसिज है बच्चा है मेरा वो साले का विह उ रख लेंगे ने लॉकडाउन तो पहले पता नहीं हों के ना तरीक मिथी होंगी है तो अचानक सारे साई देती है बैंड वाले डीजे वाले तो एकदम अनाउंस हो जाता भी लॉकडाउन लग गया 21 दिन का कहन की हो गया फिक्र पै गए सारे हूँ पुलिस इंस्पैक्टर ने ड्यूटी लग गई बाहर जाना हूँ वो कहें भी सस भी कहती सहुरा भी कहता है वोटी भी कहती कहते विह होएगा तो उस तरीक होएगा मैं क्या भी मेरी मजबूरी समझो बाहर लॉकडाउन लगे कहते लॉकडाउन लोगों वास्ते होएगा मैं अपनी धी एवें नहीं इंस्पैक्टर ने विआई विह होएगा तो उस तरीक होएगा वो प्रॉब्लम पैगी पसूड़ी वो फिर सोल्व किस तरह करता जिमें उस डेट न डीजे भी लाना बैंड भी करना है बरात भी जानी है वो चीज़ दिखाई हुई है तुसी वेखोगे तुहानू बड़ा अच्छा लगेगा तो कहने का मतलब है भी जदों कोई कंसैप्ट करंट टॉपिक होवे ना तो लोग भी पसंद करते हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो इस गल की खुशी है भी उस माहौल के मुताबिक वो चीज़ मिली है लोगों ने मैसेज भी है और एंटरटेनमेंट भी है सो जिस तरीके है ना तुम कंसैप्ट दसा कि इस तरीके की फिल्म आ रही है तो कितने कितने फिर तरह चीज़ा बड़े लोगों ने फेस की विह मिथे हुए से लोगों ने कुछ ने तो अगे पिछे विह करते पर कई सी चीज़ कि उस जिस डेट का उस ही डेट से जोड़ा विह करना आ फिर भी चीज़ा बड़ी हुई हो गए कई नाराज हो गए हो गए बई दस दस बंद करते कभी पंजाब बंदे करते कि मैनू नहीं बुलाया चाहे उन्होंने बुलाया वा काफ़ी सारिया चीज़ा लोगों ने फेस किया बट तुम बड़े कॉमेडी अंदाज सारा कुछ लैके आ रहे हो कॉमेडी की गल की हमेशा लोगों को हसाया हमेशा लोगों को होर ज़्यादा हसाने की कोशिश की है कि लगता है कि कॉमेडी करना कितना औखा है कॉमेडी सब तो औखा सब्जेक्ट है और कॉमेडी जी सीरीयस मैटर है कॉमेडी लिखनी सीरीयस होकर लिखनी पैंदी है और मैं जो स्क्रिप्ट लिखता वा फिर मैं अपने आप को दर्शक समझ के तो वो मैं वेखदा भी ठीक लगेगी उस तो बाद फैमिली सुनाई दी है फिर उत्थे पास हो जाती है फिर स्टेज पर पेश करी दी है फिर उत्थे भी कोई कमी रह जाए लाफ्टर घट आंदा तो फिर उन्होंने होर वो चीज़ कट के नवी चीज़ पाई दी है यानी इस तरह जो होमवर्क बड़ा जरूरी है तो मेरी हैगी एक्शन कॉमेडी और लोगों ने टीवी जो देखे मैं स्टेज पर जाना या फिल्म से जाना एंट्री होंगी है ना लोग पहलों ही हसना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो किरदार देखा तो उस गल की खुशी होंगी है यानी कहने का मतलब भी कलाकार तो बहुत ने लेकिन करैक्टर न मशहूर होना सब तो वड्डी गल है जो कुलेशा करैक्टर टीवी पर आया लोगों ने समझा शायद ये कोई कंटीन चो वैसे ही बंदा लैके इन्ना पेश स्टार्टिंग ते वो चीज़ हाँ भी कलाकार नहीं है कोई तो कहते ने कलाकार दी जो भी एक्टर है ना एक्टर दी करैक्टर ना इन्वॉल्वमेंट होना बड़ी जरूरी है ता ही लोगों की इन्वॉल्वमेंट उस एक्टर ना होएगी और खुब के काम करता है तो फिर लोगों ने 13 किश्तों का पास होया सी तो लोगों ने इन्ना पसंद किया 4 साल चलिया मेरा ना ही कुलेशा पै गया बिल्कुल वही चीज़ है सुंदर फिश तो बहुत घट लोग जानते बिल्कुल ये चीज़ है कुलेशा करके ज़्यादा जानते हैं मतलब कहने का मतलब भी लोग जिन्हों कबूल कर लैन तो अज मैं जो कुछ भी हाँ लोगों की बदौलत हाँ कहते ने कलाकार अपने आप को कलाकार कहे वो कलाकार नहीं होंगे कलाकार वह होंगे जिन्हों दर्शक कलाकार बनाते हैं मैं दर्शकों का बनाया हुआ कलाकार हाँ अज तुहाडे सामने जो कई बार कोई करैक्टर आता चाहे छोटे परदे से चाहे वड्डे परदे से जो ऑडियंस उस करैक्टर को मकबूल करती है पसंद करते तो उस नाम ही जाती है जिमें कि तुम्हें है ना उस नाम कुले शाह के नाल ही जानने लगे बाद चाहे कई लोगों ने यही लगता से शायद नाम यही आ रियल नाम की है वो लोगों ओना नहीं से बट कि भी पहचान उस नाम के नाल बन गई पर लगता है फरिश्ता जी एक करैक्टर के बजना या एक करैक्टर के नाल ही लोगों ने जानना या उस करैक्टर चो बाद निकलना कि औखा आ क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ आर्टिस्ट अलग अलग करैक्टर करता है चाहे एक्शन आ कॉमेडी आ ड्रामा है बहुत सारिया चीज़ा आ पर कई बार कॉमेडियन आर्टिस्टा लोग जो सिर्फ उस ही चीज़ तक उन्हें एक दायरे में ही मान लेंगे कि नहीं जो कॉमेडी करे तो कॉमेडी ही करे
बड़ा वधिया सवाल किया। पहले नंबर ते जदों कोई एक्टर हुंदा ना कोई काम करदा, वैसे कईयां दी इह धारणा हुंदी है भी एक करैक्टर नहीं करना चाहिए, टाइप्ड रोल हो जांदा, ते पर जिन्नी देर टाइप ना होवे उन्नी देर मशहूर नहीं हुंदा बंदा, उस तो बाद जो मर्जी करजे। लेकिन तुहाडी बिल्कुल सही गल है भी कुलेशा उहदे पिछे भी सुरिंदर फरिश्ता है, एक्टर है, वह एक करैक्टर किया है, तो जिहड़ा एक्टर है हर करैक्टर करता है। हुण मेरियां कई फिल्मां बनियां, मैं हर फिल्म च अलग अलग करैक्टर किए ने, और कई बार इस तरह हुंदा तुहाडी गल दा मैं जवाब दे रहा भी जिवें हुण कुलेशा लोगों ने देखिया टीवी ते भी देखिया स्टेजां ते भी देखिया, वह कई बार फिल्म च मेरे मुताबक उस तरह का रोल होएगा, कहणगे यार उन्हूं सद लो। कई बार ये सोचते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी यार रोल वो तो कुलेशा है बंदिश, हाँ एक बंदिश हो जाने वो कहना भी यार शायद कुलेशा ही बन सकता। पर मेरिया कई फिल्म है, एक मेरी फिल्म है रियल कॉस्ट, हिंदी की फिल्म है, उस मैं कॉमेडी तो हट के रोल किया, उस तो मैं अवार्ड भी मिले और फिल्म का कॉमेडी तो हट के आ, और तुसी देखोगे गेटअप चेंज है, आवाज़ चेंज है, और हिंदी दी है, मेरा पंजाबी दा फ्लो है। मेरे अपना सोल साहब मेरे को आए कहिंदे मैं स्क्रिप्ट लिखी है तुहानू मुख रख के, मैं ठीक है, कहिंदे हिंदी दी, मैं कहा मेरा पंजाबी दा फ्लो है हिंदी च, फिर कहिंदे सीरियस रोल है, मैं एक सीरियस रोल है, मैं चैलेंज कबूल किया और फिल्म बनी, लोगों ने वेखी बहुत पसंद की और उस फिल्म तो अवार्ड मिले, इस गल की खुशी हुई। उस फिल्म तो मैनू कई फिल्मा भी मिल गई। कि हर कोई कॉमेडी कर सकता है, एक एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछांगी कि इजी है ये जी कला होंगी, कुदरत की देन होंगी, हरेक च नहीं होंगी, ठीक है, एक्टर जोड़े होंगे ने ठीक वह भी कुदरत की देन है, तो जो एक्टर जिद रुझान हो जी चीज़ वाल, मेरा शुरू तो कॉमेडी वाल रुझान से, लेकिन वह भी एक कुदरत वालों टेलेंट है, वह हरेक च नहीं होंगे, यानी एक्टर एक्टिंग करता स्क्रिप्ट मिलती उन्होंने, वो कॉमेडी भी करेगा फिल्म च, हीरो भी कई कॉमेडी करते हैं, वो स्क्रिप्ट हुंदा स्क्रिप्टड सारा कुछ हुंदा, पर कॉमेडियन जिहड़ा कुदरत दी देन जिहदे च हुंदी है वो एक इंप्रोवाइज करता है, हर जगह तो कॉमेडी लभदी है, तो वह वाकई तुहाडी गल सही है, वो हर एक बंदे दे वस दी गल नहीं कॉमेडी करना, तो बाकी जिहड़ी कॉमेडी है ये राह जांदे लभदी है, हर जगह तो लभदी है, तो बस लभना बंदा होना चाहिए। बचाने कुछ कुलेशा के स्टाइल दे विच कुछ करके जरूर ऑडियंस नू दिखाओ एक बार, कोई भी डायलॉग तो हाड़ा कुछ भी डायलॉग पहले आओ पहले आओ ये डायलॉग सी मेरा मैं कह शायद इंटरव्यू ली मंगल लग पे शुर होया वो डायलॉग एक मेरा होर डायलॉग पे स्टेज ते कदे स्वागत करना होया कदे कुलेशा दा स्टाइल नेकां नूं वधाकां नूं पंचां नूं सरपंचां नूं मतलब कि जिहड़ा वो लोगों का धन्नवाद करना या उन्हां दा वेलकम करना वो कुलेशा किस तरह करता नेकां नूं वधाकां नूं पंचां नूं सरपंचां नूं यारां नूं दिलदारां नूं तहसीलदारां नूं लंबड़दारां नूं थानेदारां नूं हवालदारां नूं जिमीदारां नूं दुकानदारां नूं पल्लेदारां नूं दिहाड़ीदारां नूं शाहूकारां नूं कलाकारां नूं गीतकारां नूं संगीतकारां नूं पत्रकारां नूं चित्रकारां नूं बेरोजगारां नूं टब्बरदारां नूं भैणां नूं भरावां नूं रब वर्गियां मावां नूं ताइयां नूं चाचियां नूं बीबियां नूं मासियां नूं बजुर्गां नूं सियाणियां नूं निक्के निक्के न्याणियां नूं बैठियां नूं खलोतियां नूं सारे स्रोतियां नूं कुलेशा वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल नमस्कार नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद हैलो हाय स्वागतम वेलकम धन्यवाद मेज़बानी शुक्रिया थैंक यू। वाह मैं देख रही थी इन्ना लंबा ओके इन्ना लंबा फ्लो किन्ना कि ऊपर हार्डवर्क किया है किन्नी कि रिहर्सल्स होंदियां सी किन्ना कि रियाज हुंदा सी उस फ्लो दे विच आना कंटिन्यू। गल पता की है मैं पहलों करैक्टर कोई ऑबजर्व करदा उस तो बाद मैं होमवर्क करना और फिर प्रैक्टिस करदा तो फिर अलग अलग स्टेजा ते करी देने हुण जिवें तुहाडे इंटरव्यू दित्ती और कोई पुछ लैंदे ने और फिर अपने आप याद हो जाता होर भी कई ऐसी चीज़ा जिहड़ियां कॉमेडी कॉमेडी दे नाल नाल मैसेज भी मैं देना इहदे नाल दी नाल तुहाडा मैं एक चीज़ कहां कि कोई मैसेज देना चाहो तुसी ऑडियंस नूं हुण मैसेज यह हुई है भी फील्ड कोई भी होवे चाहे कलाकारी है चाहे जॉब करता है चाहे बिजनेस कोई बंदा करता है और दिल लाके काम करे थको पर अको ना
नेक नीयत लगन मेहनत ना बंदा जेड़ा भी काम करता कामयाब जरूर हुंदा है। ते कामयाब बंदा खुश रवे ना रवे, खुश रहने वाला बंदा हमेशा कामयाब रहिंदा है। इस वास्ते खुश रहना चाहिए, कभी उदास नहीं होना चाहिए। उदास होना कल की मुश्किल दूर नहीं होंगी, सगों अज का सुकून भी चला जाता है। इस वास्ते अज नूं इंजॉय करो जिवें असीं अज इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैनू बहुत वधिया लगा तुहाडे नाल गल करके। इवन कि मैं चाह नहीं सी रही कि मैं इंटरव्यू कट करा, बट अनाउंसमेंट दे करके मैनू कट कर। मैनू भी चलो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया खुशी जी। मैं तो यही कहांगा, हंसी की राह पे चला करो, खुशियों की महक लिया करो, प्यार से दिलों को छुआ करो। जब कभी गम नजर आए इस दोस्त को याद किया करो, इस दोस्त को याद किया करो। थैंक यू सो मच वाह। सो ये सन मेरे नाल सुरिंदर फरिश्ता जी, जिन्हों की तुम सारे कुल्ले शाह के नाम के नाल जानते हो। तो उस पहचान जी उन्होंने तुम ही लोगों ने दी है, तुम ही लोगों ने उन्होंने इतों तक पहुँचाया है कि अज उन्होंने इंडस्ट्री के इन्ना नाम आ। तो जे गल करिए अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो उन्होंने हिंट दे दिता है कि अपकमिंग टाइम के कुछ खास वो तो लैके आ रहे हैं।